बिल्कुल नाज़रीन, उथ रोड के मेन रोड पे बाकायदा मशीनरी ने काम शुरू किया है, तो इंशाल्लाह आज ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक बात है नाज़रीन, अगर आपके पास अपनी छोटी गाड़ियां हैं तो प्लीज़ प्लीज़ इस तरह करें कि बहरीन में इसको खड़ा कर दें, या अपने साथ स्नो चेंज ज़रूर रखनी चाहिए आपने। स्नो चेंज के अलावा आपकी जो अपनी गाड़ी छोटी गाड़ियाँ होती है वो बमुश्किल आती है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो इसी वजह से मतलब आपको मतलब ये दरख्वास्त की जाती कि आप अपने साथ स्नो चेंज को ज़रूर रखें, वरना अपनी गाड़ी को बाहर में पार्क करने और आगे 4x4 इसको मतलब वो रेंट पे ले लें। बाकी कलाम से आगे जो रोड का पोजीशन है इसमें तो ज़ाहिर बात है कि आप कलाम से आगे अगर उथ रोड वैली अगर आप आना चाहते हैं तो उथ रोड वैली के लिए आपने 4x4 गाड़ी लेनी होगी। इसके अलावा छोटी गाड़ियाँ चेंज पर भी नहीं आ सकती, मतलब अगर आपके पास स्नो चेंज है अपनी गाड़ी के साथ लेकिन उथ रोड वैली तक वो नहीं आ सकेगी, तो उथ रोड वैली तक आने के लिए आपने ज़रूर 4x4 गाड़ी लेनी होगी। तो इंशाल्लाह हमारी यही अपडेट थी और आगे आप वीडियो को पूरी देखिएगा नाज़रीन, इसमें मैंने बहुत ज़बरदस्त मनाजिर रखे हैं, उथ रोड वैली के ताज़ा तरीन मनाजिर हैं और बहुत ही दिलफरेब मनाजिर हैं। और दूसरी बात यह कि नाज़रीन कि मैं ये बात इन दिनों के कर रहा हूँ, मतलब इन दिनों में काफ़ी हैवी स्नोफॉल हुई है तो इसकी वजह से रोड की ये पोजीशन है, और अगर मज़ीद स्नोफॉल ना हुई, मौसम साफ़ रहा तो इंशाल्लाह फिर तो रोड की कंडीशन भी बेहतर हो जाएगी, आप मतलब ईज़िली अपनी गाड़ी पे आ सकेंगे और आपको मतलब इतनी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इन दिनों में तो काफ़ी स्नोफॉल हुई है, तो यह कि अगर 4x4 गाड़ी वो मतलब ईज़िली आ सकती है, बाकी छोटी गाड़ियों को मुश्किल पड़ सकती है। Thank you.
और नाज़रीन, आप सब दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं, पहली दफ़ा आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बराए मेहरबानी इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन का बटन ऑन करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके और आप अपडेट हो सकें। You know, to him get that.